महाशिवरात्रि के पर्व पर अल्मोड़ा में आज सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। प्रसिद्ध शिव के धाम जागेश्वर मंदिर में सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। लोग जागेश्वर धाम पहुंचकर मंदिर में पूजा अर्चना कर भगवान शिव का आशीर्वाद ले रहे हैं। जागेश्वर धाम में आज उत्तराखंड ही नहीं बल्कि बाहरी राज्यों से श्रद्धालु मंदिर को दर्शन करने आए हैं। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के श्रद्धालु यहां आए हैं। मंदिर के पुजारियों का कहना है कि जागेश्वर में शिव साक्षात रूप में विराजते हैं। यहां शिवरात्रि के मौके पर जो भी सच्चे मन से अपनी मुराद मांगता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। मंदिर में सुबह 7 बजे से श्रद्धालुओं की लाइनें लगी हैं। कोरोना के बाद शांत पड़े जागेश्वर में इतनी भारी संख्या में भक्तों के पहुंचने से स्थानीय दुकानदारों के चेहरे भी खिले नजर आ रहे हैं। बाहर से आए श्रद्धालुओं से दुकानदारों की भी काफी बिक्री हो रही है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है श्री जागेश्वर धाम। इस मंदिर समूह में 124 मंदिरों का ग्रुप है और आज महाशिवरात्रि को यहाँ पर विशेष 3 पहर की पूजाएं होती हैं। सुबह भोग पूजा और शाम को आरती होगी। रात को 12 बजे जो है 3रे पहर की पूजा यहाँ पर होती है, जो विशेष रूप से होती है। 1008 नामों से भोलेनाथ की पूजा यहाँ पर की जाएगी। और महाशिवरात्रि का जो विशेष पर्व यहाँ पर मनाया जाता है, महाशिवरात्रि का मतलब है महाशिव की रात्रि। उस दिन आज के दिन भोलेनाथ और माँ पार्वती का विवाह सम्पन्न हुआ था, इसलिए पुराण के अनुसार आज महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। आज महाशिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में जागेश्वर धाम में उत्तराखंड नहीं बल्कि भारत के अनेक राज्यों से, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई जैसे महानगरों से भी लोग यहां पर दर्शन के लिए आए हैं। माना जाता है कि आज ही के दिन भगवान शंकर का मां शक्ति स्वरूपिणी जगदम्बा के साथ विवाह हुआ था। इस उपलक्ष्य में जागेश्वर धाम में लिंग रूप में भगवान शंकर की पूजा होती है। देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं और आज प्रातःकाल तकरीबन 7 बजे से भक्तों की भीड़ लगी हुई है। लाइन में भक्त अपनी बारी के इंतजार में हैं। यहाँ पर दर्शन करने से, भगवान शंकर में बिल्व पत्र और जल चढ़ाने से सारे रोगों का नाश होता है, समस्त कष्टों का नाश होता है। इसलिए देश के विभिन्न भागों से लोग यहाँ आते हैं, देश विदेशों से लोग यहाँ पर आके दर्शन आदि करते हैं।